पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के संगरिया ब्लॉक की सासंगत ने गांव तेजाखेड़ा से मिली मानसिक रूप से परेशान एक महिला को उसके परिजनों तक पहुँचाने का काम किया है। जानकारी के अनुसार दो दिन पहले गांव तेजाखेड़ा निवासी राजकुमार कश्यप को हनुमानगढ़ से आते समय एक बस में 32 वर्षीय महिला बीमार मिली, जो मानसिक रूप से परेशान भी थी, जिसके बाद राजकुमार कश्यप उस महिला को अपने साथ घर लेकर आए और उसका इलाज करवाया। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना समाज सेवी प्रधान राज किंगरा को दी। उन्होंने सूचना मिलते ही शाह सतनाम जी, गिरनेस वेलफेयर के सेवादार भाई महेश कुमार इंसा और लालचंद इंसा से संपर्क किया, जिसके बाद ये लोग गांव तेजाखेड़ा में महिला के पास पहुंचे और पूछताछ में उस महिला ने अपना नाम चमेली बाई वर्मा, पुत्री लक्ष्मी नारायण वर्मा बताया, जो कि गांव नांगल जयपुर की रहने वाली थी। जिसके बाद संगरिया ब्लॉक के शाह सतनाम जी, गिरनेस वेलफेयर संगठन के सदस्य उसे संगरिया में लेकर आए और यहां पर इसकी सूचना सर्वप्रथम थाने में दर्ज कराई और जिसके बाद लालचंद इंसा उस महिला को अपने घर लेकर आए, जहां पर उनकी धर्मपत्नी मोहिनी देवी इंसा ने उसकी सार संभाल की। संगरिया ब्लॉक के सेवादारों ने सत्संगत और सोशल मीडिया के माध्यम से महिला के परिजनों का पता लगाया, जिसके बाद महिला के भाई हेमराज से उनका संपर्क हुआ, जिसने बताया कि उसकी बहन चमेली बाई 7 दिन पूर्व घर से बिना बताए कहीं चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने इसकी हर जगह तलाश की लेकिन उसकी बहन का पता नहीं चला। उन्होंने बताया कि इस महिला का 12 साल का एक बेटा भी है और माता विकलांग है। सारा परिवार बहुत परेशानी की हालत में था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी बहन सुरक्षित है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। संगरिया ब्लॉक के शाह सतनाम जी, गिरनेस वेलफेयर संगठन के सदस्यों और सासंगत ने वीडियो में दिखाई दे रही इस महिला को परिवार के सुपुर्द करते हुए इंसानियत का फर्ज अदा किया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि राजस्थान के संगरिया ब्लॉक की सासंगत व सेवादार लगातार पूज्य गुरु जी की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए मंदबुद्धि लोगों को उनके परिवार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये अपनी जेब खर्ची से उनकी सार संभाल करते हैं, उनका इलाज करवाते हैं और पुलिस और सोशल मीडिया और समाज के माध्यम से उन्हें उनके परिवार तक पहुंचाने का काम करते हैं। बस में मिली, उन्होंने मुझे दवाइयाँ दिलाई है और मुझे अपनी मर्जी से ही भैया के साथ मुझे घर पर अपने घर पर जा रही हूँ, अपनी मर्जी के साथ ही। और मैं अपने इलाज और मेरे पास कुछ पैसे भी नहीं हैं, मैं अपनी मर्जी से इनके घर रहने आई हूँ। आपको कोई जोर जबरदस्ती से लेके जा रहा है जी? नहीं, अपनी मर्जी से। आप बीमार हालत में, क्या हालत थी आपकी, जोर से बोलो। मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब। आपको मेडिसिन देने के बाद आपको आराम मिला? बहुत आराम मिला। आपका खून बहुत कम है? हाँ। ठीक है, आपका इलाज करवा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है ना? ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, और कोई दिक्कत बताओ, कोई जोर जबरदस्ती, कोई जबरदस्ती से आपको लेके जा रहा है घर पे? नहीं, लेके जा रहा ना। आपकी एक लाचार हालत थी, है ना? बिल्कुल। आप पानी भी नहीं था आपके पास पीने के लिए, बड़ी उस हालात में मिले, तो मतलब इंसानियत के नाते अपने जानवर को भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ। है ना? तो अब ठीक है, हम अपने घर पे अपने बच्चे के साथ आपको ले जा रहे हैं, और हाँ। बच्चों जैसे ही हो आप भी। ठीक। आज हमारे नायला में एक गुमशुदा लड़की को अपने डेरा प्रेमी भाई हनुमानगढ़ जिला ब्लॉक संगरिया से लेके आए और सकुशल उस बच्ची को उनके परिवार को समझा दी। नमस्कार, मैं राम रतनपुरा सरपंच रामफुल कुमार, यहाँ से आपके जो सिरसा से आए हुए डेरा सच्चा सौदा से
इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। एक बच्ची हमारी जो गिला के नांगल में रहती है, थोड़े माइंड से अपसेट थी और वो बस में बैठ के कहीं दूर चली गई थी। आपकी संस्था ने उसे यहाँ पे लाके छोड़ा और उसके घर वालों को सकुशल वापस लौटा दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संस्था बहुत ही अच्छा काम कर रही है। धन्यवाद। तो संगरिया ब्लॉग की इस सेवा भावना को सच कहूं भी दिल से सैल्यूट करता है और अपने दर्शकों से भी अपील करता है कि आप इन सेवादारों का हौसला कमेंट करके जरूर बढ़ाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।